खबर 24 लाइव न्यूज। मड़ियाओ थाने उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा व मड़ियाओ थाना प्रभारी किशोर कुमार चौबे की उपस्थिति में सभी धर्म गुरुओं व मड़ियाओं के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर पीस मीटिंग रखी गई। बता दो, उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा ने सभी समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि सभी समुदाय के लोग एक समन्वय बना कर रहे। बता दें, मौके पर मड़ियाओं के सभी सभासद व सभी समुदाय के धर्म गुरु व व्यापारी गण रहे उपस्थित। जो यंग बच्चे हैं हमारे, चाहे वो जिस समुदाय के हों, चाहे वो जिस समुदाय के मानने वाले हों, तो उनसे भी ध्यान दीजिए कि व्हाट्सएप वगैरह की खबरों का कहीं भी फॉरवर्ड वगैरह बिना उसका वो किए हमारे या इस हिसाब के संज्ञान में लाए, या फिर हमारे और भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, मैम ये बताइए, आज मड़ियाओं के थाने में जो आज यहाँ बैठे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य था आज यहाँ पे जो पीस मीटिंग रखी गई थी? यहाँ पे जैसे सभी समुदाय के धर्म गुरुओं से, चाहे वो हिंदू पक्ष के, चाहे मुस्लिम पक्ष के, चाहे हमारे सिख समुदाय के, बस ये था कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है मड़ियाओं तहसील की, वो बनी रहे। और कोई ऐसा बात, जैसे कल शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, आप देख रहे हैं छिटपुट घटनाएं पूरे प्रदेश से कहीं कुछ खबरें आ रही हैं, हालांकि ऐसी कोई संवेदनशीलता हमारी तहसील में नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में एक समन्वय बना रहे, उसी के क्रम में बस एक हमने बैठक करी है। तो यहाँ पे किसको बुलाया गया था, यहाँ कौन आए थे मैम? यहाँ पे दोनों ही समुदायों के धर्मगुरु और जो है जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, हमारे नगर पंचायत मड़ियाओं के सभासद वगैरह और प्रधान वगैरह अन्य गाँव में, उनको बुलाया गया, उनके साथ एक बैठक करी गई है। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का धार्मिक माध्यम। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, देना चाहेंगे संदेश? जनता को बस ये संदेश है कि वो किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, और कोई अफवाह अगर है तो उसे तुरंत ही कन्फर्म करें, जिम्मेदार आप हटें इसके साथ, चाहे मैं हूँ चाहे हमारे अफसोर सीओ है, इसके बाद ही किसी चीज़ पे ध्यान दें। और बाकी आप कानून व्यवस्था आपके लिए मदद के लिए बैठी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, जैसा भी होगा सब अच्छे से हमारे तहसील अच्छे से। जी बहुत बहुत धन्यवाद।